देख लो अंचल भैया, मैंने सही बोला कि नहीं बोला? इस वीडियो में देखिए कोई बोल सकता है मैं काला हूँ? नहीं, पर मैं काला हूँ, लेकिन कोई मानेगा ही नहीं। आप लोगों को भी बता देता हूँ, देखो कभी जीवन में आपको लगे ना कि आप जो वो काले हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना जो आपसे भी थोड़ा सा डार्क हो स्किन में, तो आप गोरे दिखोगे। वो देखो उठ के चले गए। पीट दे तेरे को, बता। नहीं, रिमोट बेटा तेरी टीवी का है। गुड इवनिंग सभी को। यहाँ पे मंदिर में आ चुका हूँ और ओम नमः शिवाय, और इन्हीं के साथ आप लोग देख सकते हो माता रानी के दर्शन कर सकते हो। माता रानी के दर्शन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फटाफट चलते हैं अपन कहाँ पे? गणपति बप्पा की ओर। गणपति बप्पा कहाँ पे? गणपति बप्पा यहाँ पे हैं। ये आ गए गणपति बप्पा, अब इनके पास से अपन आगे निकलते हैं। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अपन कहाँ पे, कहाँ पे पहुँच रहे हैं? अपन पहुँच गए हैं बजरंग बली जी के पास। ये देख रहे हो बब्बा, अब बब्बा के पास पहुँचने के बाद मैं आ चुका हूँ, और अभी मैं आपको जिम की लोकेशन मतलब दुबा भी दिखा दूंगा। वैसे तो पहुँच गया जिम के पास, आएगा ब्लॉग चालू करते हैं। फिर मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ जिम। जिम में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जिम में अभी मैं लगा रहा हूँ ये चेस्ट की एक्सरसाइज है। इस चेस्ट की एक्सरसाइज में आपके क्या है ना कि आप दोनों साइड के जो चेस्ट हैं शेप है, इस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जो चेस्ट की तीनों मसल रहती हैं, अपर मसल, मिड मसल एंड लाइक लोअर मसल, तो ये तीनों इसमें कवर होती हैं। इसकी सिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ की कर रहे हो। वैसे तो इसमें तीनों जो हैं तीनों मसल्स का ही ट्रेनिंग होता है, इसमें तीनों मसल ट्रेनिंग होती है। ये आप मेरे भाई को भी देख सकते हो, ये लाइक आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। इसने वेट ज़्यादा लगा रखी है, उसकी बॉडी की कैपेसिटी उसने बढ़ा रखी है। बाकी आप फ्लेक्स करते हुए देख सकते हो उसको। किसी को नाम जी है उसका, मैं आईडी मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके इसको फॉलो कर लेना आप लोग। और यहाँ पे अभी आप ये लुक देख ही सकते हो, जब मैं चेस्ट की एक्सरसाइज में कम ही वेट से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो जिम चेंज होता है ना, तो वहाँ यहाँ के वेट्स को अडाप्ट करना थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि आप नए नए जिम पे जाके वर्कआउट तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपके हिसाब से जिम होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा पुराना जिम है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी जिम की इसकी खासियत है कि भाई ये 11 बजे तक खुला रहता है, तो इस चीज़ का कोई भी कॉम्पिटिशन है ही नहीं भाई पूरे शहर में। तो इस चक्कर में मेरे को यहीं पे भी जिम करना पड़ रहा है। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाई की बॉडी भी बढ़िया बेहतरीन कर रखी है उसने, टच वुड नज़र ना लगे बेचारे को, और ऐसे ही मेंटेन रहे। और आप लोग देख ही सकते हो ये एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज चेस्ट की हैं। आज हम लोग चेस्ट का ही वर्कआउट कर रहे हैं साथ में। चेस्ट का वर्कआउट इसलिए कर रहे हैं, कल भी मैंने चेस्ट ही करा था, आज भी चेस्ट इसलिए, क्योंकि के लिंक अप हो पाए दोनों, एक साथ वर्कआउट कर पाएँ। आज भी जो रात को वर्कआउट करें तो साथ में रहें, इसलिए हम लोग ये जो है ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वर्कआउट जो हो वो लाइक एक सिंक में हो जाए। और इसके बाद हम लोग जो है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं हमारी, ये पूरी लाइक है इस चीज़ के लिए कि लाइक अपने आप को कैसे और ज़्यादा बेहतर लुक में बनाया जाए, और ज़्यादा कैसे अपने को वेल अपीयरेंस वाला किया जाए, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं। और आप लोग देख सकते हो फ्लेक्स, और फिर इस फ्लेक्स के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से फिर मैं अपने जिम की सब चीज़ों ख़त्म करता हूँ। मैं भी अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा होता हूँ टी शर्ट उतार के, जिसमें आप लोग देख ही सकते हो जो मेरे छोटे छोटे से ऐप्स हैं वो थोड़े थोड़े से दिखने लग गए हैं, आप लोग को समझ में आ रहा हो मे भी। फिर यहाँ पे मैं बॉडी को फ्लेक्स करता हूँ और इसके बाद मैं निकल जाता हूँ घर की। आज का ब्लॉग जो है ना भाई, आप लोग खुद से देखते हो मेरे ब्लॉग, मतलब बहुत कम लोग देखते हैं,
हो सकता है शायद 20 या 30 लोग या 40-50 लोग ही देखते हैं, बट 40-50 लोग भी बहुत होते हैं भाई देखने वाले हो तो जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, उनसे बस मेरा एक मैसेज देना है कि भाई लाइफ आपकी हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी। कभी लाइफ में आपको बहुत अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और हो सकता है उसी के अगले पल ही आपको बहुत बुरा एक चीज़ भी देखने को मिल जाए। मतलब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने फेस किया है। कैसा फेस किया है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब एक तरफ मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था भाई, पैसा वैसा, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई, सब लोग खुश, एकदम खतरनाक वाले खुश, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मुझे उस समय पे जो चीज चाहिए भाई मेरे पास चल के आ रही है अपने आप। मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ बट मैं उन चीजों के लिए एफर्ट नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन अब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था तो एक दिन मैं अपने दिमाग में लेकर आता हूँ यार मैं सब कुछ कितना बढ़िया हो गया यार, यार पैसा भी आ रहा है, लाइफ में जो चीज चाहिए वो सब है मेरे पास, प्यार भी है, हर चीज है। पर बताऊं, खासकर लड़का हो चाहे लड़की, मुझे प्यार का मीनिंग जो है वो बहुत टाइम बाद समझ में आया कि एक्चुअल में प्यार होता क्या है। एक्चुअल में प्यार जो होता है वो ये होता है कि आप किसी किसी की परवाह करना, यानी किसी की केयर करना। तो मुझे पता चला कि यार प्यार करना एक्चुअल में वो नहीं होता कि कोई आपको प्यार करे, प्यार करना होता है एक्चुअल में आप सामने लोग कितना गिविंग कर रहे हो, मतलब आपका गिविंग नेचर कितना है, आप कितनी केयर कर रहे हो उनकी, दिस इज कॉल्ड प्यार। वो आपको रिटर्न में मिल जाए वो बात अलग है, यहाँ पे पैसा वगैरह कोई भी चीज़ कुछ मायने रखती। आप कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, या कुछ भी जो आपकी इच्छा हो, आप किसी इंसान को भी उठा करके भाई उसकी केयर करने लग जाओगे ना जिसको ज़रूरत है, भाई यही प्यार है एक्चुअल में, प्यार यही है। मतलब जो मैंने सीखा वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने का रीज़न ही यही है कि भाई एकदम से मेरे को ख्याल आया, मेरे को चीज़ समझ में आई, मैंने कहा शेयर करते हैं यार वीडियो के थ्रू। तो ये यही बात थी, एक्चुअल में प्यार यही है मेरे लिए। तो बाकी आप लोग ट्राई करके देखिए, मेरे हिसाब से तो यही है और 100% यही है भाई, क्योंकि रिटर्न में प्यार मिले वो बात अलग है, बट आप प्यार कर रहे हो किसी को वही प्यार। खाना खाते हुए बोल रहा हूँ भाई, झूठ भी नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।